दोस्तों आज हम झटपट तैयार होने वाला एग मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं, आधा चम्मच उसमें जीरा डाल दिया है और 2 हरी मिर्ची बारीक काट के हमने डाल दी। हल्की सी हरी मिर्ची को हम फ्राई कर देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, मीडियम से लो आँच पर हम इसे भूनेंगे और जल्दी से पकने के लिए हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे ताकि नमक डालते ही हमारे जो प्याज है वो जल्दी से पानी छोड़ेगा और पक जाएगा। जैसे इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो 1 चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेते हैं, उसका कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल चला जाना चाहिए। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करें और धीमी से मीडियम आंच पे हम इसको भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने मीडियम साइज़ का 1 टमाटर लिया है, उसे बारीक काट के उसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने 4 अंडे लिए हैं, 4 अंडों को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंट के आप इसे साइड में रख लें। अब हम देखेंगे कि हमारे प्याज टमाटर पके कि नहीं। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, पक चुका है। इसे मैं इस तरह से बेस पे फैला देंगे। फैलाने के बाद जो हमने अंडे फेंट के रखे हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसे ढक दें और मीडियम से लो आंच पे इसको पकने दें। जैसे अंडा हमारा अच्छे से पक जाएगा आप इस तरह से इसमें कट्स लगा दें। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको हल्का सा मिक्स कर दें। बस तो ये हमारा झटपट से एग मसाला तैयार है। और बहुत ज़्यादा इसे छोटा नहीं करना, थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही रखने हैं। तो ये एकदम परफेक्ट एग मसाला बनके तैयार है। झटपट से सुबह की टिफ़िन हो या शाम का स्नैक्स हो आप इसे बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें।